सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 व प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा आगामी आदेशों तक स्थगित। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा का वक्तव्य, साथ में उसका दिखाएंगे ट्विटर अकाउंट और साथ में हो चुका है आदेश भी जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई है। कक्षा 8वीं की जो परीक्षाएं चल रही है और अब जो शेष रह गई है उनको आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है, और साथ ही कक्षा 5 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। आपको दिखा देते हैं इनका एक आदेश भी, ये देखिए साथियों, ये है वो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी आदेश, जिसमें लिखा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2020 व प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2020 को अन्य आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। उक्त परीक्षा एवं मूल्यांकन की नवीन तिथियां यथा आवश्यकता बाद में पृथक से लिखित आदेश द्वारा घोषित की जाएगी। यानी फिलहाल अभी कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसको आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही जब भी नई तिथियां घोषित होगी तो अलग से आदेश आएगा। अब देखिए दोस्तों, यह है गोविंद सिंह जी डोटासरा का एक ट्विटर अकाउंट, जहां उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री @अशोक गहलोत51 जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सारी स्कूल कॉलेज और बोर्ड परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु यह कदम उठाया गया है, सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल दोस्तों अभी स्पष्ट हो गया है कि कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आगामी आदेशों का स्थगित की जाती है। अब दिखाते हैं आपको गोविंद सिंह जी डोटासरा का एक वक्तव्य वीडियो, जिसके जरिए आप भी जान पाएंगे। लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील है, उच्च अधिकारियों के साथ में मीटिंगें हुई है और बहुत ही चिंता व्यक्त की गई है कि कहीं हमारे प्रदेश में ये कोरोना वायरस है वो नहीं फैल जाए और जनहानि नहीं हो जाए। इसको लेकर के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं थी वो प्लस जो 5वीं और 8वीं के बोर्ड की परीक्षाएं थी उनको स्थगित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ बाकी सभी डिपार्टमेंट भी अपनी अपनी एडवाइजरी जारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसी बात का प्रयास किया जाए कि धारा 144 का जो आदेश निकाला गया है उसकी पालना करें। कोई भी व्यक्ति 5 से ज़्यादा एक समूह में इकट्ठे नहीं हों, आवश्यक हो तभी घरों से निकलें, घरों से बाहर नहीं निकलें, पूरा एहतियात बरतें और जागरूकता हर प्रत्येक नागरिक जो थोड़ा सा भी समझ रखता है उसको जागरूकता आस पड़ोस में फैलानी चाहिए, बताना चाहिए कि ये बहुत ही डेंजरियस वायरस है, एक महामारी है। तो मैं समझता हूँ इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का और सभी विभाग अपने अपने हिसाब से ये एडवाइजरी भी जारी करेंगे और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी प्रेस नोट आएगा। कुल मिला के एक ही बात है कि हमारे प्रदेश में कोई भी जनहानि नहीं हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था और पूरा प्रशासन को चाक चौबंद किया।